नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पास मैं बताने वाला हूँ कि प्राइवेट कंपनी बनाते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कौन आपको मदद कर सकते हैं, किस तरह की कंपनी होती है और क्यों प्राइवेट कंपनी क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं कंपनी बनाने के बाद, आप कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी कंपनी आपने बना ली है या किसी भी कंपनी को, और साथ में प्राइवेट कंपनी बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इसके कंप्लाइंसेस होते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोई भी अगर आपको हेल्प की आवश्यकता होगी तो यहाँ नीचे में नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं कि जब कभी भी आप प्राइवेट कंपनी बनाने जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला पहली चीज़ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ में रखना है। पैन कार्ड आधार कार्ड अगर तो आपके पास में नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी कंपनी रजिस्टर करने जा सकते हैं। इसके अलावा जो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, अगर तो आपके आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और या पासपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए, तो इन पांचों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके आईडी प्रूफ के लिए ज़रूरत होती ही है। दूसरी जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो। इसके अलावा आपके लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बिल या पानी का बिल या इंटरनेट का बिल या फिर आपके मोबाइल का बिल, मतलब पोस्टपेड बिल होनी चाहिए जो कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए ना। दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये होता है कि आप अगर अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑफिस का तो एड्रेस होना ही चाहिए। तो ऑफिस का एड्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर आपको नोटिस आती है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आएगी। तो इसके लिए आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। वो रजिस्टर ऑफिस या तो आपका खुद का नाम पे होना चाहिए या तो किराए पे होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपने किराए पे ऑफिस लिया हुआ है तो आपको उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ में एनओसी भी होना चाहिए जो कि आपके जो मकान मालिक है उनके तरफ से जारी होना चाहिए कि आपके मतलब उनके मकान में ये कंपनी बन रही है तो उनसे कोई भी ऑब्जेक्शन उनको नहीं है। दूसरी बात होनी चाहिए कि आपके इलेक्ट्रिक बिल भी साथ में होना चाहिए, चाहे अगर आपके मकान मालिक के नाम के हो चाहे आपके खुद के नाम पे हो, अगर आप मान लीजिए कि अपना खुद का बिल्डिंग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, साथ में एक फ़ोटो आपके आवश्यक होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी बनाने में या किसी भी तरह की कंपनी बनाने में आपको किसकी मदद लेनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूँगा कि आप किसी भी अपने लोकल CA CS या एडवोकेट से भी आप कंपनी बना सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी, जैसे हमारी कंपनी है जहाँ पास कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम होता है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस टाइप की कंपनियां होती है। इसको जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने कोई भी कंपनी बनाई है तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां होती है या कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहली जो टाइप की कंपनी होती है वो होती है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक डायरेक्टर की ही आवश्यकता होती है। दूसरी टाइप की जो कंपनी होती है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं LLP। LLP अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो पहले कंपनी बनाने के लिए किसी दो या दो से ज़्यादा लोगों की पार्टनरशिप अगर होती थी तो उसको क्या किया गया है, MCA में रजिस्टर कर दिया गया है, तो उसको LLP ही बोलते हैं। अभी मैं इसके विषय में एक्सप्लेनेशन से अलग वीडियो बनाऊंगा ना। दोस्तों जो तीसरी टाइप की कंपनी है जो सबसे पॉपुलर है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। आज आप अपने अगल बगल जितनी भी कंपनियाँ देखते हैं उस 90% उसमें प्राइवेट कंपनी होती है ना। नेक्स्ट जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम तीन या तीन से ज्यादा डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी को लिस्टेड करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो आपके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आवश्यकता होती है कम से कम। तो कंपनी बनाने से पहले आप इसको ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कि आपको इसको बड़ा आगे चल के आपको ज्यादा जाना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बजाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बनाइए।
दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का कैसा कैसा प्रोसेस है और कहाँ रजिस्टर होती है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी कंपनी इंडिया में, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस डिपार्टमेंट में हम लोग को जाना पड़ता है उसको बोला जाता है MCA। आप MCA में सीधा नहीं जा सकते, आप ऑनलाइन माध्यम से अपना एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे तो वो MCA में अपने आप चली जाएगी। MCA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो आपको किसी CACS की मदद लेनी होगी ताकि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सके, और कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, या किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको देखना है तो आप MCA की ऑफिशियल साइट में भी जाके देख सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा। नेक्स्ट होता है कि हम लोग को पहले काम करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने से पहले कि खुद का DIN नंबर बनाने। DIN नंबर का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DIN नंबर के विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि DIN नंबर आपको पैन नंबर जैसा होता है, जो लाइफ में आपको एक ही बार मिलता है। आपको 2 बार DIN नंबर कभी भी गलती से भी आप इशू मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो कदम होता है वो होता है डिजिटल सिग्नेचर बनाने का। डिजिटल सिग्नेचर के विषय में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस तरह आप कागज़ पे साइन करते हो तो वैसी तरह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए आपको DSC की आवश्यकता होती है। DSC एक पेन ड्राइव में सेव करके हम लोग रखते हैं। चौथा जो पॉइंट होता है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन में कंपनी का नेम अप्रूवल। तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय एक ऐसा नाम चुनना होगा जो कि किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप अपनी कंपनी को, अपनी बिजनेस को सेफ करना चाहते हैं तो एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आपका नाम भी सेफ रहे। चौथा पॉइंट होता है कि जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तब आपको इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन जो होता है, स्पाइस फॉर्म उसको बोलते हैं, उस फॉर्म में जमा करना पड़ता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब काम आपका नहीं है, ये सब काम आपके CA का है, या जिसने आपकी कंपनी बनाने का काम लिया हुआ है, या आपने जिसको काम दिया हुआ है उसका है, तो वो ये सब काम कर लेगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, फॉर्म जमा हो जाते हैं MCA में लॉगिन करने के बाद, तब जाके आपको जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, और आपको अपनी कंपनी का एक अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको CIN नंबर बोला जाता है वो मिलता है। CIN नंबर भी क्या है इसके विषय में मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उसको लाइन से एक के बाद एक देख सकते हैं। दोस्तों, हमें प्राइवेट कंपनी क्यों रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए? तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आप देखे होंगे कि पीछे एक वर्ड लिखा होता है जिसको बोलते हैं लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कल को कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंपनी बिक जाए, कंपनी दिवालिया हो जाए, तो इस हालात में कभी भी कंपनी की जो डायरेक्टर्स होते हैं उस पर कोई भी आँच नहीं आती है। डायरेक्टर की जो पर्सनल संपत्ति है, इस बात को ध्यान दीजिए, डायरेक्टर की जो पर्सनल संपत्ति है उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी की जो संपत्ति है वो बिक जाए, लेकिन डायरेक्टर की पर्सनल संपत्ति नहीं बिकेगी। इसलिए ज्यादातर लोग लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ना कि प्रोप्राइटर्स हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है और कितनी फीस लगती है। तो यूजुअली अगर कोई भी गलती नहीं हो, आपने फॉर्म जमा कर दिया है, तो 7 से 15 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन होकर आ जाती है। लेकिन बाय द वे, अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है, तो MCA आपको वापस से फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भेज देती है, और उसको फीस आपको करेक्शन करके देना होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि 7 से 15 दिन का समय आपको लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद सवाल होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगती है, क्योंकि कभी कभी लोग फोन करते हैं, बोलते हैं कि कहीं पास 5,000 फीस लगती है, कहीं 15,000, कहीं 20,000। तो मैं यहाँ पास आपको बता देना चाहूँगा कि इसको ध्यान से देखिए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होने में 2 तरह की फीस लगती है, गवर्नमेंट फीस लगती है, एक प्रोफेशनल फीस लगती है। गवर्नमेंट फीस का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पास कंपनी रजिस्ट्रेशन की एक फिक्स फीस गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है, और ये जो फीस है ये ऑथोराइज कैपिटल पे डिपेंड होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट में 1 लाख की आपकी कंपनी बनानी है, तो 1 लाख की गवर्नमेंट फीस हो सकता है किसी स्टेट में 1,000 हो, तो किसी स्टेट में 5,000 भी कर दे। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि अगर आप बिहार में कंपनी बनाते हो, वेस्ट बंगाल में कंपनी बनाते हो, तो गवर्नमेंट फीस बहुत ही कम होती है। वहीं पास अगर पंजाब MP में बनाते हो, तो गवर्नमेंट फीस बहुत ही ज़्यादा होती है।
ना दूसरी होती है प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस का मतलब होता है कि जिससे आप कंपनी बनवा रहे हो, सीए सीएस एडवोकेट या जो भी कंपनी को आपने काम दिया हुआ है अपनी कंपनी बनाने के लिए, तो उसकी फीस क्या है। तो ये अलग अलग होती है। हो सकता है कि मैं आपका काम 1,000 रुपये में कर रहा हूँ, कोई उसको 500 रुपये में भी कर दे, कोई 5,000 में भी कर दे। तो दोस्तों एक अमेजिंग क्लास शेयर मार्केट पे हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को जल्दी से बुक कर ले। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, जहाँ पास आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल ट्रेडिंग और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें आपको बताई जाएगी, जहाँ से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो चलिए इसको ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो में अभी हम लोग आगे चलते हैं ना दोस्तों। 8वां पॉइंट है कि जब कभी भी हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नहीं जानने से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा हो। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक पेन टाइप जैसा होता है, जो कि कंपनी बनाने के बाद आपका सीए सीएस या जिससे भी आपने कंपनी बनाई है उससे आप जरूरत मांग दीजिएगा और ये आपको बाई पोस्ट वो आपको भेज देंगे ना। दूसरा होता है डीआईएन सर्टिफिकेट। डीआईएन का नाम मतलब आपको बता दिया है मैंने इस वीडियो में, तो डीआईएन सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे आ जाएगा। तीसरा नंबर है सीआईएन सर्टिफिकेट। सीआईएन सर्टिफिकेट भी आपके ईमेल पे आ जाएगा। सीआईएन सर्टिफिकेट के विषय में मैंने जानकारी दे चुकी है ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं ना दोस्तों। इसके बाद आता है पैन नंबर, टैन नंबर, इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। ईपीएफ ईएसआईसी, इसके भी आपको डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट आते हैं। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एमओए एओए। ये दोनों बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको आप सिंपल भाषा में समझ ले, एमओए एओए आपकी कंपनी का संविधान होता है। जितने भी नियम कानून होते हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एमओए एओए में दिए हुए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एमएसएमई, तो दोस्तों ये सब एडिशनल है। अगर आप इसको करवाएंगे तो आपके पास आएगा, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन में अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई आपके साथ में या इन डॉक्यूमेंट के साथ में वो नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में ना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल होता है कि जब कभी भी आपकी कंपनी बन गई हो या किसी भी कंपनी जो पहले से बनी हुई है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो कंपनी वास्तव में सही में रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानना है तो आप सबसे पहले दो तरीके से जान सकते हैं। एक है कि आप सीधे एमसीए की वेबसाइट, एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जहाँ से जहाँ पास कंपनी बनती है, तो वहाँ आप सीधे जाके कंपनी के नाम को सर्च कर सकते हैं। और जो दूसरा उपाय है बहुत ही आसान है, आप सिंपल सा गूगल में जाइए, कंपनी का नाम को टाइप कीजिए। और जब कंपनी का नाम को टाइप करेंगे तो आपको उस कंपनी से रिलेटेड जो अलग अलग जानकारी है वो अलग अलग वेबसाइट पे आ जाएगी। जैसे अगर आपको यहाँ देखना है तो मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। और गूगल पे आप जाइए, गूगल पे आप जाके टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पास अपनी कंपनी का नाम टाइप कर रहा हूँ, आप भी अपनी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी अभी नहीं बनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 1-2 दिन 3 दिन, ताकि ये अपडेट हो जाए, साथ ही साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी कंपनी का नाम टाइप कर दिया है, टेकोबिज.इन प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ टाइप किया, वैसे देखिए अलग अलग साइट आ गई है, इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी साइट। तो यहाँ पास देखो, यहाँ जूबा कॉप, ये सब जो अलग अलग साइट है, यहाँ से आपको आपकी कंपनी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने किसी जुबा पे क्लिक किया है, तो यहाँ देखो जैसे मैंने क्लिक किया, कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके किस डेट में बनी है, ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा। इवन कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है ये भी आपको यहाँ पास मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ एड्रेस है, यहाँ कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन दोनों का, दो डायरेक्टर का नाम है। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर इन डायरेक्टर की और भी कोई कंपनी होगी तो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो मैं अभी केवल एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर आपकी भी कंपनी है तो आप यहाँ पास चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे ना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी बनाने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैंने पहले भी बताया है, फिर से अभी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई भी ऐसा घपला होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ें होती है जिससे कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है और ऐसी नौबत आ जाती है कि कंपनी की संपत्ति को बेचना पड़े, तो इसमें जो डायरेक्टर होता है उसकी संपत्ति सेफ हो जाती है और उसकी संपत्ति इस मतलब बिकने से बची जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ना दोस्तों। दूसरा जो सबसे
अहम फायदा होता है कि जब कभी भी आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक लीगल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने आपके नाम की जो कंपनी है तो उस नाम से इंडिया में कोई भी दूसरा कंपनी बनेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपकी एक यूनिक मतलब आइडेंटिटी होती है ऑल ओवर इंडिया में ना दोस्तों। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी कंपनी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है, मतलब कि मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर थे एक दो तीन जितने भी है, अगर कोई डायरेक्टर ख़त्म भी हो जाता है, मर भी जाता है, तो भी कंपनी उससे बंद नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर आके उस जगह को ले लेगा। तो कहने का मतलब होता है कि सालों साल कंपनी चलते रहेगी, भले उसके डायरेक्टर कभी भी चेंज होते रहे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो चौथी पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इजी टू फंडिंग, मतलब कि अगर आपकी कंपनी में फंडिंग चाहिए तो आप अपनी कंपनी से शेयर बेच के या शेयर से फंडिंग उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, बैंक से लोन चाहिए या और भी थर्ड पार्टी से आपको लोन चाहिए, अपने रिश्तेदारों से लोन चाहिए, दोस्तों से लोन चाहिए या किसी से भी लोन लोन चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। नाउ टैक्स बेनिफिट, प्राइवेट कंपनी या कोई भी कंपनी जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको टैक्स रिबेट मिलते हैं। और जो सबसे अंतिम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये होती है ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का नाम लेता है तो उसमें लोगों का एक अलग से विश्वास होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे पैसा लूँगा 1,000 रुपये किसी काम के लिए, तो आपको थोड़ा विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी का बीच में आ जाती है, कोई ब्रांड बीच में आ जाता है, तो आप उस पर विश्वास करते हो। तो ये चीज़ कंपनी रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप देखिएगा 95% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक कंपनी बनाते हैं, और अब भी चाहो तो आप भी कंपनी अपनी बना सकते हो, लेकिन उसी समय बनाना स्टार्ट कीजिए जब आपके बिजनेस में आपकी पकड़ पहले से हो। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है अगर हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन जब कभी भी आप करते हैं तो आपके साथ में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कंप्लाइंसेस का। कंप्लाइंसेस का मतलब होता है कि आपको अपनी कंपनी का ब्यौरा जो होता है वो गवर्नमेंट को समय समय पर जमा करना पड़ता है कि आपने क्या किया है, क्या फ़ायदा है, नुकसान है, हर चीज़ को, मतलब इनकम टैक्स से लेके कंपनी में कितने मेंबर है, कितना सेल है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देके आपको जमा करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर आप उसको टाइम टू टाइम जमा नहीं करते हैं तो आपको उसमें पेनल्टी होती है, और ये पेनल्टी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो टोटल कंपनी की जो संपत्ति है उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने समय पर नहीं किया हो। तो इसीलिए कंपनी बनाने से पहले इस बात को आपको बहुत ही ध्यान दे के रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपने मान लीजिए कि कंपनी को बंद करना भी चाहते हैं तो भी उसकी जो प्रोसेस होती है तो इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि आपने काम बंद कर दिया तो कंपनी भी बंद हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है दोस्तों। आपको कंपनी बंद करने का एक लीगल प्रोसेस होता है, उससे ही आप जाके कंपनी बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्राइवेट कंपनी में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 200 लोग ही आ सकते हैं, तो अगर तो मान लीजिए आपको इससे ज़्यादा अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स बनाना है, शेयर होल्डर बनाना है, तो आपको उसके लिए कंपनी को चेंज करके प्राइवेट कंपनी में चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें थी जो डिसएडवांटेज है कंपनी बनाने में। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने जो काम कर रहे हैं उस चीज़ आपको उसके हिसाब से आप कंपनी बनाए या नहीं बनाए। अगर नहीं होता है तो नहीं बनाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार बना लेते हैं तो इसके सारे जो कंप्लाइंसेस को करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है आपकी कंपनी में तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, जहां पास हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।